फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस टेन एक्स बाई में 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ हम टेन एक्स को ब्रेकअप करते हैं साइन बाई कोस इन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स। हमने यहाँ एलसीएम लिया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल टू कोस एक्स। अब नीचे वाला जो डोमिनेटर दिखाई दे रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, कोस का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर दिया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का माइनस कोस एक्स, टेकिंग माइनस कॉमन आउट साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है टोटली चेंज होगी डी टी के अंदर विद नेगेटिव साइन बाय टी, माइनस इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो लो टी विद नेगेटिव साइन प्लस सी माइनस लो पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। सेकेंड पार्ट भी यही है, 1 माइनस कोट एक्स बाई में 1 प्लस कोट एक्स, कोट एक्स को ब्रेकअप करेंगे कोस बाई साइन कोस बाई साइन, एलसीएम लिया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन कैंसिल टू साइन, नीचे वाले को टी पुट किया साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, टेकिंग माइनस कॉमन आउट साइन एक्स माइनस कोस एक्स देन दिस, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस को भी इधर ले आए तो देन दिस फंक्शन बिकम्स माइनस डी टी अपॉन ए टी, माइनस 1 बाई टी लॉग टी प्लस सी माइनस टी का लॉग टी, टी की वैल्यू आपके पास आ गई साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स। इन थर्ड पार्ट इट इज गिवन दैट 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो हमने टेन एक्स को ब्रेकअप कर लिया यहाँ पर 1 बाई में साइन एक्स बाई कोस एक्स, एलसीएम लिया हमने तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स और कोस एक्स ऊपर चला गया, तो मेरे पास बन गया कोस एक्स बाई दीज, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास बन गया 2 कोस एक्स बाई दीज और 1 बाई टू एज ए आउटसाइड। अब हमारे पास कोस एक्स था 2 बना लिया हमने, नीचे साइन भी है तो एक साइन हमने अपनी तरफ से ऐड किया कोस के अंदर, एक माइनस किया तो बन गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर आप इसको वापिस ऐड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस और कोस एक्स कितने हो गए 2 कोस एक्स, 2 से 2 कट गया, वही फंक्शन आपके पास आ गया। ये जो पेयर है ये पेयर बना ले कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई में, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये इससे कैंसिल हो गया, इसको लिखा हमने 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो 1 बाई 2 एक्स। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, साइन का क्या होता है कोस, तो इट मींस लॉग ऑफ डोमिनेटर कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इन दिस पार्ट फोर्थ पार्ट इट इज गिवन दैट कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई में 1 प्लस साइन 2 एक्स, तो मैंने यहां इस आइडेंटिटी को ब्रेकअप कर लिया 1 प्लस साइन 1 को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2 एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो मेरे पास क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए मींस कोस एक्स बी मींस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने इस डोमिनेटर के अंदर कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट कर लिया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो देन दिस बिकेम्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के साथ किसके अंदर चेंज हो गया डी टी, डी टी बाई में टी स्क्वायर दिस वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने बहुत बार कर लिया, टी की पावर ऊपर लेके जाएंगे माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो ये क्या बन गया टी की पावर माइनस वन बाई माइनस वन प्लस सी, इसको लिखेंगे क्या माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है आपके पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। इन 11th क्वेश्चंस देर आर 4 पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज गिवन 3 tan square x plus 2 into secant square x by में 10 की क्यूब x plus 2 tan x plus 9 का होल स्क्वायर, तो हम यहां पुट करते हैं डोमिनेटर 10 की क्यूब x plus 2 tan x plus 9 is equal to t, डेरिवेटिव करेंगे 3 पावर आगे 10 की एक पावर कम 10 का डेरिवेटिव secant square x 2 as is 10 का डेरिवेटिव secant square x 9 का 0 dx is equal to dt। अब इन दोनों में से टर्मों में से हमने secant square x कॉमन आउट निकाल लिया, बन गया 3 tan square x plus 2 dx is equal to dt। अब इसको देखिए ये जो टर्म दी हुई है टोटली ऊपर secant square 3 into tan square x 2 is equal dx is equal to किसके अंदर चेंज होगी dt के अंदर चेंज होगी, तो ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t square।
अब डी टी अपॉन टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, ये इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ये लास्ट टू पार्ट किया था आपका फोर्थ टेंथ का, सेम एज इट इज डू योर सेल्फ। सेकंड पार्ट जो कहता है वो दिया हुआ है टेन एक्स बाय में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये दिया हुआ है आपको, इसका आपने इंटीग्रेट करना है dx के साथ। अब tan x है, tan x को तो हम sin और cos में ब्रेकअप करके सोल्व कर सकते हैं, और या ये भी कर सकते हो आप इसको, मैं इसको cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई करता हूं। अब sin by cos बन गया tan x और ये बन गया cos square x, 1 by cos square x बन गया secant square x, और tan root x by tan x है तो ये root कट के tan का इसके साथ से लगाया, यानी कि नीचे बन गया tan root x। आप पुट कर सकते हैं tan x को t, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है secant square x dx is equal to dt। अब ऊपर जो secant square x dx है वो चेंज हो गया dt के अंदर, और root t आपका नीचे बन गया, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। t को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस 1 by 2 प्लस 1 माइनस 1 by 2 प्लस 1, 1 में से 1 by 2 माइनस करेंगे 1 by 2, 1 में से 1 by 2 1 by 2, रेसिप्रोकल किया 2 by 1, 2 into put the value of t tan x power 1 by 2 under the square root plus c, या आप इसको sin cos के अंदर ब्रेकअप करके सोल्व करना चाहें तो वो भी हो सकता है। ये होगा sin x by में cos x, sin x का रूट कट के नीचे आ जाएगा, cos x की हम उसको इक्वल कर लेंगे। थर्ड पार्ट साइन 2x बाई में a प्लस बी कोस 2x का होल स्क्वायर dx, यहां हमें दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी कोस 2x जो दिया हुआ उसको मैंने t पुट कर दिया, a का डेरिवेटिव 0, b कोस x का आ गया माइनस b साइन 2x, 2x का 2, तो देन वी राइट माइनस 2b साइन 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि ये जो वैल्यू है साइन 2x dx की वैल्यू हमें चाहिए थी वो होगी dt अपॉन में माइनस 2b, हमने माइनस 1 by 2 बाहर ले लिया, 1 by t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना dt के साथ, ये आपका इस पार्ट के अंदर आया था, दोबारा रिपीट हुआ इससे आगे आप स्वयं करें। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है sin x cos x a स्क्वायर sin स्क्वायर x plus b cos स्क्वायर dx, तो हम इस डोमिनेटर को t पुट करते हैं नीचे वाले को और डेरिवेटिव करते हैं, a स्क्वायर एज इट sin स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, b स्क्वायर एज इट cos स्क्वायर का माइनस 2 sin x cos x, 2 sin x cos x कॉमन निकाल लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ये 2 और इस टर्म को हम इधर ले आए क्योंकि मुझे चाहिए sin x cos x dx की वैल्यू, वो आ गई dt अपॉन 2 * a स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया फोर्थ पार्ट इधर बन के, dt ऊपर जो बना वो बना dt बाय में 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे जो था आपका वो है टी, इसका ये जो फंक्शन है आपके पास ये बन गया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब 1 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन आउट निकाल लिया, डी टी बाई में टी, 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है लॉग टी, तो 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी, टी की आप वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स।